अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं मीना, हम पहुँच चुके हैं और काफ़ी रश है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। समझ लें कि पूरे के पूरे हुजाज किराम मीना के टेंट में पहुँच चुके हैं और ये रश जो आप देख रहे हैं ये हुजाज किराम का ही रश है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। हम जा रहे हैं, खाने का टाइम हो चुका है, जोहर की नमाज़ अदा हो चुकी है, अब खाने का टाइम है। चलते हैं, जाके देखते हैं, अपने लिए खाना लेके आते हैं, हुज्जाज किराम को खिलाते हैं। क्या खाना आएगा ये तो जाके पता चलेगा। ये इधर देखें, अपनी टिंड को ठंडा कर रहे हैं बस। यासिर भाई जो है, यासिर भाई अपनी टिंड को ठंडी कर रहे हैं, दिखाया ज़रा, गर्म हो रही है गर्म। चलते हैं जी आगे और जाके किचन तक जाते हैं, तब तक आप बाकी हालात का इंजॉय करें माशाल्लाह तबारकअल्लाह। यह है ये रश। किधर है हाई शकील साहब? वो शकील भाई आ रहे हैं, शकील भाई आ रहे हैं। मैंने पकड़ लिया, शकील भाई उठा के लेके आ रहे हैं हाजियों की खिदमत माशाल्लाह तबारकअल्लाह। चलें, ये हुज्जाज किराम ने जो है सोफे बाहर निकाल के रख दिए। मेरा ख्याल है गर्मी की वजह से इसको निकाल दिए। वो देखें, अच्छा कूलर का पानी नहीं चल रहा था, ये कूलर वाले आए हैं पानी मेरा ख्याल ठीक करने के लिए। अब पहले इनसे बात करते हैं कि हमारे कूलर का पानी क्यों नहीं चल रहा। एयर कूलर वाले से बात हो गई है, कह रहा है थोड़ी देर तक आता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा एयर कूलर ठीक कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक आएगा इंशाल्लाह हमारा एयर कूलर भी ठीक हो जाएगा। हज में एयर कूलर अक्सर ख़राब हो जाते हैं, हवा गर्म आती है, हुज्जाज की जाम तंग होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अजर अल्लाह ताला ने देना होता है। ये देखें रश है, मैं रुक गया हूँ ताकि थोड़ा सा रास्ता चले और फिर मैं भी आगे जाऊँ। भाई साहब रास्ता दे दें थोड़ा सा, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, अल्लाह अकबर। ये है जी रौनक हुज्जाज किराम की। ये खाने का टाइम मैंने बताया ना, तो ये देखें यहाँ पर भी खाना लेके आ रहे हैं, खाना लाया जा रहा है हुज्जाज किराम को अपने अपने समझ लें कि टेंट में अपने अपने हुज्जाज किराम को, जो ग्रुप लीडर हैं वो हुज्जाज किराम को जो खाना खिलाते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये चेयर पे लेके आ रहे हैं, व्हील चेयर जो होती है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। ये है जी खाने का टाइम माशाल्लाह तबारकअल्लाह। सब के सब हुज्जाज किराम अपने अपने लिए खाना लेके जा रहे हैं। यहाँ तक मेरे आने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हुज्जाज किराम को जो है खाना दिया जाता है। असल में जितने ग्रुप लीडर्स होते हैं उन सब के पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड होता है मुनज़्ज़िम कार्ड। मुनज़्ज़िम कार्ड के ऊपर हुज्जाज किराम की तादाद लिखी होती है कि भाई मेरे इतने हाजी हैं। जो मुनज़्ज़िम साहब होते हैं वो अपने हुज्जाज किराम के हिसाब से आते हैं, कार्ड दिखाते हैं और अपने लिए खाना लेके जाते हैं। ये तरीक़ाकार होता है और हर खाने के टाइम इसी तरीके से रश पड़ता है जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। ये जो रश आप देख रहे हैं ये खाने के लिए रश है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। दोपहर के खाने का टाइम, अंदर चले, अंदर जाके अंदर का हाल देखें। ये मेरा ख्याल है नहीं जाने थे, रश है माशाल्लाह आपके सामने रश आ रहा। अच्छा ये देखें, ये भाई भी मिल गए, कह रहे हैं आपको देखते हैं माशाल्लाह जजाकल्लाह खैर। हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान फैसलाबाद से माशाल्लाह तबारकअल्लाह। कितना शोर हो रहा है, चलें ये तो शोर होता ही रहेगा। हम चलते हैं, हमारा खाना जा चुका है, अब जाके चलता है आपका छः एसी चलता है आपका? एयर कूलर नहीं चल रहा, पानी नहीं चल रहा, पानी बंद है, गर्मी हो रही है, तो गर्मी हो रही है तो क्या करें, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, एयर कूलर का पानी बंद हुआ हुआ है, इंशाल्लाह आएंगे आके ठीक करेंगे और इंशाल्लाह ठंडा पानी भी आ जाएगा, ठंडी हवा भी आ जाएगी। ये है जी हुज्जाज किराम का समा जो आप देख रहे हैं। यासिर भाई ना जो ना छेड़ डाल दी है, कह रहे उधर नहीं जाने देंगे, जानते हैं कहाँ नहीं जाने देंगे, दो नंबर मकतब में, बी कैटेगरी में, बी कैटेगरी में जाके देखते हैं वहाँ की क्या। नहीं नहीं वो ए नहीं है, बी है,
नहीं शाहिद साहब की, हाँ वो ए कैटेगरी है, शाहिद साहब की ए कैटेगरी है। यहाँ पर ज़रा चक्कर लगा ले, बी कैटेगरी में हम यहाँ से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे। ये जो समा आप देख रहे हैं ना, ये नहीं होगा, समा बदला होगा, अभी भी दिखाता हूँ। ये छः नंबर के बाद ये देखें, यहाँ पर टेंट सादा है और यहाँ पर जिप्सम बोर्ड वाला है। यहाँ पर समा बदल गया और यहाँ पर समझ ले हालात बदल गए। माशाल्लाह अच्छी हवा आ रही, ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एसी लगे हुए हैं भाई। कहते हैं ना, जितना जितना गुड़ उतना मीठा। जाहिर सी बात है, जितना पैसा हम डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। इन हुज्जाज किराम ने पैसा ज़्यादा लगाया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है उतना ही मीठा होगा। राहदारी देखें माशाल्लाह, राहदारी भी सजाई हुई है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। वापसी का रूट हमने ले लिया, थोड़ा सा चक्कर लगाया, चक्कर लगा के एक दोस्त के पास चले। सुना तबीयत वहाँ में याद रखें, चक्कर लगाया, दोस्त को मिले, वहाँ पर खाना वाना खा के अब निकल आए हैं वापस अपने टेंट के लिए। गुजर रहा हूँ दो नंबर टेंट के अंदर से, बी कैटेगरी से गुजर रहा हूँ। ये बी कैटेगरी से जाते वक्त मैंने आपको दिखाया था, अभी थोड़ी ही देर में हम अपने खेमे में दाखिल हो जाएंगे सी कैटेगरी में। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रलिल्लाह, मौसम जो है इस वक्त गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अल्लाह ताला, मेरा ख़्याल है कि असर के बाद के टाइम पे, मेरा ख़्याल है कि असर के बाद का जो टाइम होगा ना, उसमें इतनी गर्मी नहीं होगी, गर्मी कम हो जाएगी और मौसम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये किसी टूर वाले ने जो है ना अपना स्टिकर लगा लिया, ताकि हुज्जाज किराम को पता चलता रहे कि ये हमारे खेमे हैं। इसके बाद हमारे खेमे शुरू, ये लीजिए जी, देसी माहौल शुरू हो गया। यासर भाई, देसी माहौल शुरू हो गया जी, वैलायती तो देसी च आ गए जी। और अपने टेंट इंजॉय करना से, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते हाजी साहब मिल गए माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत प्यारे हाजी साहब। वालेकुम सलाम। कहाँ से? मुंबई इंडिया। मुंबई इंडिया से कैसा हाज गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी अभी तो। अच्छा, मेरा ख्याल आप बी कैटेगरी में हैं? बी कैटेगरी में। ये पीछे से हैं, ये है, इस वक्त हम खड़े हैं सी कैटेगरी में माशाल्लाह तबारकअल्लाह। सब दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।